आज जनपद कौशाम्बी में बड़े धूमधाम से भैया दूज का पर्व मनाया गया। बहनों ने भाई की लंबी उम्र के लिए यम भगवान से कामना की। गौरतलब हो कि कार्तिक शुक्ल द्वितीय को यम द्वितीय भी कहा जाता है, वहीं इस दिन भैया दूज मनाया जाता है। दरअसल दीपावली पर्व के पांचवें यानी आखिरी दिन भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक भैया दूज दीपावली के तीसरे दिन व गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस त्यौहार का मुख्य लक्ष्य भाई बहन के पावन संबंध और प्रेम भाव की स्थापना करना है। हिंदू समाज में भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के दो त्यौहार आते हैं, एक रक्षाबंधन और दूसरा भैया दूज। इसमें बहन भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। भाई दूज का यह त्यौहार कार्तिक शुक्ल द्वितीय को मनाया जाता है। वह इस दिन बहनें बेरी पूजन भी करती हैं और भाइयों के स्वस्थ और दीर्घायु होने की मंगल कामना करते हुए उन्हें तिलक लगाती हैं। इस दिन बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन बहनों को भाइयों की चावल खिलाना चाहिए। बहन चचेरी, ममेरी अथवा धर्म की कोई भी हो सकती है। यदि कोई बहन ना हो तो गाय, नदी आदि स्थित पदार्थ का ध्यान करके अथवा उसके समीप बैठकर भोजन करना भी शुभ माना जाता है। भाई भोजन आदि के उपरांत बहन को उपहार स्वरूप वस्त्रभूषण आदि देते हैं। इसी दिन सूर्य कन्या यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसलिए इसे यम द्वितीय भी कहते हैं। इस दिन यमराज और यमुना जी के पूजन का विशेष विधान है। ऐसा माना जाता है कि जो भाई इस दिन यानी कार्तिक शुक्ल द्वितीय यानी भैया दूज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों का आतिथ्य स्वीकार करते हैं, उन्हें यम का भय नहीं रहता, इसलिए भाई दूज को यमराज और यमुना का पूजन किया जाता है। कौशाम्बी से सुनील साहू की रिपोर्ट, प्राइम मिटी न्यूज। आज पांचवा दिन है भैया दूज के रूप में, यम द्वितीया भी बोलते हैं, तो आज क्या खास है? भैया दूज का पर्व जो है भाई और बहन के पवित्र प्रेम का जो है बहुत बड़ा पर्व है। आज के दिन जो है बहनें सुबह से व्रत रह करके गोवर्धन की पूजा करके उसके बाद जो है भैया अपने भाई को टीकाकरण करती है और उसके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए मंगल कामना करती है। और इस उपलक्ष्य में आज मैं सभी जनपद वासियों को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज ये पाँचवा दिन का ये अंतिम दिन का त्यौहार है जो ये पर्व चल रहा है दीपावली का, सभी जनपद वासियों को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली महापर्व का पांचवा दिन है तो इस पर क्या कहना चाहते हैं आप लोग? हम ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आज हम लोग अपने भाइयों को टीका किया, उनकी लंबी उम्र के लिए कामना किया। हम चाहते हैं कि वो हमेशा सुरक्षित रहें, अच्छे रहें,